तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सबको दिखाने वाले हैं एक नव हिंदू जो है वो अल्लाह का नाम यानी अपने दुकान में माशाल्लाह और हाथ का पंजा लगाया है। तो इससे ये पता चलता है कि हिंदू भाई के ऊपर मुसलमान पे कितना यकीन है। कुछ लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा में विवाद फैलाते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो से काफी सीख मिलेगा आप सबको। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। आपने हमने ये देखा है कि ये आपने माशाल्लाह लगा रखा है, ये किस लिए है? ये डेकोरेशन की वजह से है या फिर कोई इससे रिलेशन? दूसरी क्या बात है, अभी आप नोहे सुन लेते। नोहे का मतलब जो होता है ये एक तरह से गीत भजन नात नजम इस तरह से होता है, ये धार्मिक होता है। ये आप कैसे सुनते? आप तो एक भजन भी लगा सकते हैं पंजाबी भाषा। एक आपने वो पंजा लगा रखा है वहाँ पे, पंजा दिखाइए पहले। ये पंजा यहाँ पे, ये पंजा लगा हुआ है, देखिए पंजा लगा रखा है। ये पंजा आपने किस लिए लगा रखा? ये आपको किसने बताया? किसी धार्मिक गुरु ने बताया, धर्म गुरु ने बताया, आपके धर्म गुरु ने बताया या मुस्लिम धर्म गुरु? डर नहीं लगता कि कस्टमर भाग जाएगा, नाराज होगी? नहीं ऐसे थोड़े कुछ है, मोहला का नाम चल रहा है, वो क्यों डर के भागेगा? अच्छा, इसमें ऐतल चल रही है, दुआ भी चलती है, सूर्य आसन भी चलती है, इसमें सब कुछ चलता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं जनता वंता और जनता वंता में आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। मशहद हिंद समाना पंजाब। अभी एक डेढ़ महीने पहले यहाँ कुछ मजलिसें हुई थी, दो दिन मजलिसें हुई थी जो शिया समुदाय के लोग यहाँ दरगाह पे कराते हैं। मशहद हिंद के नाम से एक दरगाह है, बहुत खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इमामजादे की, आठवें इमामजादे की असली कब्र है। ये एक चमत्कार है। लेकिन हमने आपको बहुत वीडियो दिखाई, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ के सेवक हैं, जो मानवता सेवक में एक तरह से लगे हुए थे, दिलो जान से अपना सब कुछ घर बार दिए हुए थे, खोले हुए थे, कुछ लोग रह गए थे जो इस चीज़ के हकदार हैं, जो इस चीज़ का अधिकार रखते हैं। आइए हम इनसे मिलते हैं, कुछ लोग जो रह गए थे। आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमें पता चला है कि एक सैलून है यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है लक्की सैलून। ये समाना पंजाब में ही है, दरगाह के पास में ही है। आइए अब देखते हैं इसके अंदर में क्या है, इसके जो बारे में पता चला है क्या वो सच है, आइए पता करते हैं। आइए बने रहिए आप लोग। ये देखिए, सुना है कि बहुत ही ज़्यादा मौला का चाहने वाला है ये। नॉन मुस्लिम क्यों है ये? क्यों लगा रखा है ये इसने ऐसा क्यों लगा रखा है? देखिए ये पहले मैं दिखाता हूँ आपको, ये दुकान है सैलून की। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, आपका रिस्क हलाल होना चाहिए, यानी आपका एक नंबर की कमाई होनी चाहिए। दूसरी क्या बात है, ये देखिए ये क्या मतलब है, ये जो लगाया हुआ है माशाल्लाह तबारकअल्लाह, ठीक है। और दूसरी क्या बात है, एक चीज़ और देखिए, ये भाई हैं लक्की, क्या नाम, लक्की भाई है जी, आपसे भी बात करेंगे। दूसरा क्या है, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ ये इन्होंने नक्श वगैरह लगाए हुए हैं, और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये आयत कुरान है, कुरान की आयतें हैं। और ऊपर देखिए पंजा लगा हुआ है, पंजा लगा हुआ है। मैं यही कहूँगा, बार बार यही कहता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्योंकि यहाँ सभी धर्म के लोग मिलजुल के रहते हैं। अब इनसे हम बात करेंगे, ये पहले काम कर रहे थे जब हम पहले आए थे, लेकिन अब इनसे बात करेंगे कि क्या वजह है, ऐसा क्या कारण है जो आपने ये चीज़ें लगा रखी है। इस्लाम धर्म की कोई और तो एतराज़ नहीं करता। ये देखिए पंजाबी लोगों ने को तो मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, और आप लोगों ने भी बहुत ही बहुत लाइक किया है इनको, बहुत हाईलाइट किया है इनकी मानवता, इनका एक तरह से जो खिदमत है, इनकी सेवा, आप लोगों ने प्यार इतना दिया कि आप लोगों के ये दिल में उतर गए। और ये दोबारा बोल रहे हैं कि दोबारा आइए, और उससे बड़ी तादाद में, यानी जन सैलाब लेकर आप आइए, हम आपके एक तरह से कदमों में, आपके चरणों में अपना दिल बिछाएंगे। ये बहुत एक्साइटेड हैं कि दूसरा साल कब आएगा और दूसरी बार हमें सेवा का मौका कब मिलेगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही कीमती वक्त, यानी बहुत ही एक तरह से जो गोल्डन टाइम होता है, हमने वो निकाला है इनके लिए, और इन्होंने हमारे लिए निकाला है, क्योंकि रोज़गार जो है इंसान का सबसे बड़ा पॉइंट होता है। सारी दुनिया एक तरफ होती है और उसकी रोजी रोटी एक तरफ होती है। हम इनसे पता करेंगे नोहे क्यों सुन रहे हैं, नोहे का मतलब क्या है, आपकी समझ में आता है या बस एक तरह से साउंड चला रखा है? ये माशाल्लाह जो लिखा हुआ है ये क्यों लगा रखा है?
सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक पंजा है जो एक हक के लिए उठा था, सत्य असत्य के उसमें उठा था, ये एक इतिहास लिखने के लिए और एक इंसानियत बचाने के लिए ये पंजा उठा था इमाम हुसैन का। चलिए बात करते हैं इनसे जी। लक्की भाई, अब मैं आपका सिर्फ 2 मिनट लूँगा, आपसे इजाज़त है सवाल करने की जी। ये सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो शिया समुदाय के लोग आते हैं, ये आपके दिल में है और आप उन लोगों के दिल में हैं, आपने हमने ये देखा है कि ये आपने माशाल्लाह लगा रखा है, ये किस लिए? ये डेकोरेशन की वजह से है या फिर कोई इससे रिलेशन है? नहीं भाई, ये बरकत के लिए होता है, अच्छा लगता है मुझे। मुझे बचपन से ही शौक है इस चीज़ों का। अच्छा। कोई दरगाह होगी, कहीं भी जाना हो, सबसे ज्यादा हुसैन के साथ जुड़ा हूँ, मौला के साथ, नोहे सुनना, सब कुछ पता लगता है इसका मतलब। ये नोहे चलते रहते हैं, सुबह शाम मेरे चलते रहते हैं जी। दूसरी क्या बात है आपने, चलिए माशाल्लाह लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है। एक आपने वो पंजा लगा रखा है वहाँ पे, पंजा दिखाइए पहले, ये पंजा यहाँ पे, ये पंजा लगा हुआ है, देखिए पंजा लगा रखा है। ये पंजा आपने किस लिए लगा रखा है? ये भी बरकत के लिए होता है। अच्छा। हुसैन के बारे में लिखा हुआ है, उनके पंजन के नाम लिखे हुए उस पे। अच्छा, पंजेदन के नाम लिखे हुए। हाँ, नाम लिखे हुए उन पे, बहुत अच्छा लगता है। तो ये आपको किसने बताया, किसी धार्मिक गुरु ने बताया, धर्म गुरु ने बताया, आपके धर्म गुरु ने बताया या मुस्लिम धर्म गुरु? हमें पता लग गया था, बचपन से ही शौक है। अच्छा, जैसे कोई बचपन से पैदा होता ना, किसी में कोई चीज हो जाती है, वैसे ही बचपन से ही रिलेटेड है मेरे शरीर में ही सब कुछ। भाई वाह, भाई वाह, क्या बात है। सबसे अच्छा तो तब लगता है जब इंसान अपने धर्म को छोड़ के दूसरे के धर्म का भी सम्मान करे। अपने धर्म तो उसके दिल में है, लेकिन दूसरे के धर्म का सम्मान इधर से भी करे और दिल से भी करे। सैल्यूट करता हूँ मैं यहाँ के सिख सरदारों को, जो एक इतिहास का पन्ना भी इनसे भरा पड़ा है जी। लक्की भाई, एक बात और जानना चाहूँगा, आप कौन से समाज से हैं, यानी किस समाज से संबंध रखते हैं? मैं राजपूत समाज से संबंध करता हूँ। अच्छा, तो आप बाहर से आए हुए हैं फिर या यहीं के ही हैं? आपके दादा परदादा? ना, परदादा तो पाकिस्तान से थे। अच्छा। हम लोग यहीं के रहने, बचपन हमारा, हाँ, बचपन हमारा यहीं बीता हुआ। अच्छा अच्छा। हाँ, तो यहाँ और पंजाबी लोग भी रहते हैं और आप लोग भी रहते हैं? कभी कभी मतभेद या नहीं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम लोगों में सारे भाई भाई, हाँ, प्यार मोहब्बत से रहते हैं हम। एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कोई दुख तकलीफ होता है तो एक दूसरे का साथ बनते हैं हम लोग, वो हमारा सारा बनते हैं, हम लोगों का सारा बनते हैं। अच्छा, अच्छा। जरूरी नहीं है, जट लोग होते हैं और भी है, छोटे छोटे कास्टों के हैं, वो भी होते हैं हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है, सब भी एक जैसे रहते हैं हम लोग। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ कोई भी जो भी इंसान है, यानी किसी भी धर्म जाति का है, वो अपनी जाति धर्म जाति में भेदभाव नहीं रखता। सिर्फ सबसे बड़ा धर्म जो होता है वो मानव सेवा होता है, इंसानियत की सेवा करना होता है। तो यहाँ के जो लोग हैं सिर्फ इंसानियत के पीछे पड़े हैं, मानवता का प्रचार करते हैं और मानवता की ही सेवा करते हैं। दूसरी क्या बात है, अभी आप नोहे सुन लेते। नोहे का मतलब जो होता है, ये एक तरह से गीत, गीत भजन नात नज़म इस तरह से होता है, ये धार्मिक होता है। ये आप कैसे सुनते हैं? आप तो एक भजन भी लगा सकते हैं पंजाबी भाषा में। नहीं, ये नोहे चल रहे थे, इनमें गम भरे हुए हैं, जब अच्छा। इसको ध्यान से सुना जाए तो आंखों से आंसू टपक जाएंगे। अच्छा। रोने लग जाएगा। अच्छा। इसके दिल में जज्बात होंगे हुसैन के बारे में, वो फूट फूट के रोएगा। हुसैन को जानते हैं आप? हाँ, ही जानते हैं। कौन थे वो? गुरु थे हमारे, इमाम थे। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इतना ही काफ़ी है कि वो गुरु थे। और किसके बेटे थे, किसके नवासे थे, ये आप लोग भी जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च मार सकते हैं, हु इज़ द इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सिर्फ इतना लिखेंगे आपको पूरी हिस्ट्री बन समझ में आ जाएगी, और करबला की हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ करबला लिखेंगे तो आपको करबला की हिस्ट्री समझ में आ जाएगी जी। अच्छा, आपका इससे कोई काम पे फ़र्क पड़ा है? नहीं, शुरू से ऐसे यही काम बहुत बढ़िया चलता है। अच्छा, मौला की रहमत है। अच्छा, ये जो कस्टमर आते हैं ये भी सुनते हैं? ये कोई 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 ये नहीं बोलता कि यार सॉन्ग चलाओ शाहरुख खान का या फिर अक्षय कुमार का? क्यों बोलेंगे मुझे, मेरी शॉप है, मैं अपनी मनमर्जी करूंगा, उसकी मर्जी क्या चलेगी यहाँ पर। अच्छा अच्छा, जब तक मेरा टाइमिंग है फिक्स वो उस टाइम तक चलेगी। डर नहीं लगता कि कस्टमर भाग जाएगा, नाराज होगी? नहीं, ऐसे थोड़े कुछ है, मौला का नाम चल रहा है, वो क्यों डर के भागेगा? इसमें ऐतल चल रही है, दुआ भी चलती है, सूर्य यासीन भी चलती है, इसमें सब कुछ चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ आपके जो परिवार वाले हैं, बड़े हैं, जो रिलेशन वाले हैं, आप किसी ने ऐतराज नहीं किया कि यार ये क्या चलाता है, पागल हो गया क्या लकी? नहीं, घर में भी चलते हैं भाई। अच्छा, घर में भी चलते हैं, कुछ भी नहीं करते, बच्चे हैं वो भी इस चीज को साथ देते हैं। घर में भी चलते हैं? घर में भी चलते हैं, जरूरी नहीं है खाली दुकान में ही चलता है, घर में भी चलते हैं। अच्छा, दूसरी क्या बात है, ये जो लोग आए थे, दो श्रद्धालु 2 दिन के लिए आए थे,
आपका मन भर गया या फिर अभी और चाहते हैं? या नहीं नहीं, हम तो चाहते हैं हर बार हर साल ऐसी हो, इससे भी बढ़कर हो और अच्छा हो इससे भी ज्यादा। जी देख लीजिए, अगली बार बाहर सोना पड़ जाएगा। मैं कोई बात नहीं, हम छत पे सो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। आने वालों के लिए क्या कहेंगे जो आपका इंतजार कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं कि भाई समाना के लोग ऐसे हैं तो एक बार जाना चाहिए, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं भाई, अच्छा लगेगा जब हमारी शॉप पर भी आएंगे, मौला के दर पे आए पहले, उसके बाद हमें मिलकर देखे कैसा लगेगा। मिलकर पता चलता ना, ऐसे नहीं ना, बातों से कुछ नहीं पता चलता। जी जी, मैक पकड़ने से कुछ नहीं पता चलता। आप मुझसे पूछ रहे हो तो अच्छा लग रहा है, तो आकर आप कुछ मुझसे बोल रहे हो कि हाँ ये बोलो वो बोलो, ऐसा नहीं है, मिलकर पूछो फिर तब पता चलेगा। ऐसा देखिए दोस्तों, भाई ने दिल जीत लिया। हम बचपन से एक डायलॉग सुनते आ रहे हैं, एक एडवर्टाइज देखते आ रहे हैं जो एक वॉशिंग पाउडर के बारे में, यानी एक कपड़े धोने वाला जो घड़ी साबुन आता है उस पर एक डायलॉग आता है कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। भाई ने भी ये बोला कि एक बार आप आके देखिए हम लोग कैसे हैं। वैसे तो इतिहास सरदारों के पन्नों से भरा पड़ा है, दुनिया भर का ये इतिहास का पन्ना भरा पड़ा है सरदारों के नाम से, इनकी कुर्बानियों से। और हम यहीं पे और दूसरे लोगों से भी बात करेंगे, आप लोग बने रहिए, हम बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। ये तो एक दुकान थी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई, आप लोगों ने बहुत साथ दिया ऐसे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा एक नॉन मुस्लिम भाई का अल्लाह पे कितना यकीन है, कितना भरोसा है। वो डेली घर पे अपने दुकान पे सूरह यासीन सुनता है, माशाल्लाह अल्लाह का नाम, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का पंजा, सारा कुछ अपने दुकान में लगा के रखा है। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अभी तक नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग मिस ना कर सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।